हेलो फ्रेंड्स, आपका इस हिमाचल रेड राइस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख एक और वीडियो लेकर आया हूं। उस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो धान पर लगने वाला एक प्रमुख कीट होता है, लीफ होल्डर, पत्ता भेदक कीट। उसके बारे में बात करने वाला हूं। यह काफ़ी नुकसान करता है धान की फसल पर। तो हम ऐसा करते हैं, पहले जो वीडियो है इसे देख लेते हैं, उसके बाद मैं दोबारा आपके सम्मुख पेश होऊंगा और कुछ बातें करूंगा। धान पर पत्ती भेदक लीफ फोल्डर का आक्रमण। देखिए, सारे पत्ते जो हैं सूखते नज़र आ रहे हैं। इनको खोल कर देखें तो इसमें आपको इल्लियां नज़र आएंगी जो काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। इनके वयस्क जो होते हैं वो हल्के भूरे रंग के, गोल्डन ब्राउन होते हैं, काफ़ी बड़े आकार के दिखाई देते हैं। इल्लियां इनकी हल्के पीले रंग की होती हैं, हरे रंग की, और लंबाई में पत्तियों को मोड़कर खुरच कर उनके हरे पदार्थों को खा जाती हैं। पत्तियां बिल्कुल सूखती नज़र आ रही हैं। हर पत्ती को खोल कर देखें, उसके अंदर इल्लियां नज़र आएंगी। जब काफ़ी नुकसान होने वाले होता है उस वक्त सारी पत्तियां सूख जाती हैं, और पत्तियों को खोल कर देखें तो उसके अंदर इल्लियां नज़र आती हैं जो उनके हरित पदार्थों को खाती हैं। इनका साइंटिफिक नेम है निफेलोकोसिस मेडिनेलिस, लीफ फोल्डर धान काका। अभी आपने वीडियो देखा और इस वीडियो में आपने लीफ फोल्डर जो पत्ता भेदक कीट है उसके बारे में आपने देखा कैसे कैसे ये धान के जो फसल है उसको नुकसान करता है। वैसे ये कीट जैसा आपने देखा यह है ब्राउन कलर का होता है, गोल्डन होता है, और इसके अगले पंख पर धारियां होती हैं। इसकी अगर हम लेंथ को देखें तो ये करीबन 8 mm होता है और विंग एक्सपेंस जो है इसका 18 mm के आसपास होता है। और यह जब पत्तों को, इसकी जो इल्लियाँ होती हैं वो पत्तों को नुकसान करती हैं, पत्तों को लंबाई में आपस में फोल्ड करती हैं, और फोल्ड करने के बाद अंदर जो है पत्तों के हरित पदार्थों को खाती हैं। जब बहुत नुकसान होता है तो ये सारी पत्तियाँ सूख जाती हैं और फसल ऐसे लगती है जैसे सूख गई है। तो आपने ये देखा वीडियो, इसमें आपने लीफ फोल्डर की जो सिम्टम्स भी देखे। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्लोरोपाइरीफॉस है जिसकी हम रिकमेंडेड डोज स्प्रे करते हैं, फिर भी हमें CIB से जो भी रिकमेंडेड केमिकल हैं उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ साथ हम अगर हम अपने खेतों में प्रकाश पंच लाइट ट्रैप का उपयोग करते हैं उससे भी इन कीटों से हम बच सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट डालें, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिमाचल।